अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद, शामिल करेंगे वक्त हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ दो रोजा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए, शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीनी हम मनसब से भी मुलाकात, दिफाई ताबुन और पेशावराना अमूर पर गुफ्तगू। मेफेयर फ्लैट्स कैसे और कब खरीदे, कितना टैक्स दिया, कितनी ऑफशोर कंपनियां बनाई, वजीर आजम आज कौमी असेंबली में अपोजिशन को मुतमईन करेंगे। नवाज शरीफ के अहम इजलास से कबल रुफका से मुशावरत, वुज़रा को भरपूर जवाब देने का टास्क दे दिया। यह करप्ट लोगों का जो चोरी कर करके पाकिस्तान। कप्तान कौमी असेंबली में बाउंसर पर बाउंसर मारेंगे, बरतानिया से वतन वापसी, बनीगाला में बैठक, कहते हैं पहले अपनी सफाई दूंगा फिर नवाज शरीफ से सवालात पूछूंगा, क्या वजीर आजम भी मेरी तकरीर सुनेंगे। करना है या वजीर आजम की तकरीर को तहमुल से सुनना है, हंगामा खेज इजलास से पहले ओपोजिशन सर जोड़ेगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत पहले बात सुन लेती तो आज इसकी नौबत नहीं आती, शेख रशीद का हुकूमत में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का दावा। पनामा के शोर में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का भी जोर, वजीर आजम को नाहल करार देने की इलेक्शन कमीशन में दरखास्त, आज कौमी असेंबली का इजलास देखने के लिए भी दरखास्त दे दी। सुप्रीम कोर्ट का PP 232 में दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म, यूसुफ कसेला आसास से छुपाने पर डीसी, अदालत उज़्मा ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा। और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निकलने वाली भारतीय रियासत गुजरात की खातून रुकने असेंबली, मैनहोल में जा गिरी, सर में चोट लगने से दिन में तारे नजर आ गए।